Welcome to the Bal Govindam Learning App. Hello children. So today we will do the practice of cursive letter D, okay, in the notebook. So let's start the practice. You have already practiced this D letter in your workbook. So today is the revision work of D in your notebook. D for dog. सबसे पहले पेंसिल ब्लू लाइन में देंगे रखेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे. थोड़ा सा इसे कर्व लेके वापस हम ए का पूरा पैटर्न बनाएंगे जिस तरह से ए लिया था, लेकिन ये पेंसिल को हम वापस ऊपर की तरफ रेड लाइन में ले जाएंगे. वापस स्ट्रेट लाइन हम ब्लू लाइन तक इसे टच करते हुए और ए का कर्व दे देंगे, जैसे ए में कर्व देते थे ना, इस तरह से ये बन गया डी. डी फॉर डॉग, डी ओ जी डॉग, ओके. इस तरह से पूरा सर्कल हम ऊपर ले जाएंगे रेड लाइन तक, वापस नीचे लाएंगे और इसे ए का कर्व दे देंगे, ठीक है. डी, डी फॉर डॉग, डी ओ जी डॉग, इस तरह से आपको बोल बोल के लिखना है. डी फॉर डॉग, डी ओ जी डॉग, ओके. डी फॉर डॉग, डी ओ जी डॉग, डी फॉर डॉग, डी ओ जी डॉग, डी फॉर डॉग, D O G dog, D for dog, D O G dog, ओके. इस तरह से बोलते हुए सभी को लिखना है, सीधा ऊपर नीचे और ऐसे कर, ठीक है. D O G dog, D O G dog, D O G dog, D for dog, D O G dog. D for dog, D O G dog. D for dog, D O G dog. सारे लेटर्स को बोलते हुए लिखना है, लिख लिख के बोलेंगे और लिखेंगे, हम बोल बोल के लिखेंगे. D, लेटर D, D for dog, D O G dog. 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 ताकि आपकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और लेटर भी अच्छे से हो जाएगा आपका, है ना. D O G dog, ओके. ये आपका कंप्लीट हो गया ये लाइन. इसके बाद हम ये लाइन जो है, दो लाइन आपका रिवीजन वर्क करेंगे, ठीक.